नमस्कार, आप देख रहे हैं बिफोर प्रिंट। मैं हूं आकांक्षा। चुनावी समर में खुलकर बैटिंग कर रहे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अब किसानों को लेकर नया पैंतरा चला है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने किसानों के लिए वादों की झड़ी लगा दी है। उन्होंने घोषणा की कि किसान आंदोलन के दौरान जिन किसानों की जान गई है उनके परिवार को सपा सरकार बनने पर 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों पर लादे गए सारे FIR वापस लिए जाएंगे। समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में किसानों की एक एक बात को शामिल किया है। उन्होंने कहा कि सभी फसल के लिए MSP तय की जाएगी और गन्ना किसानों का 15 दिन के अंदर भुगतान मिलेगा, भले ही उसके लिए अलग से रिवॉल्विंग बजट बनाना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने किसानों के लिए मुफ्त बीमा योजना और सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली का ऐलान भी किया है। सभी फसलों के लिए MSP प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड भी अगर बनाना पड़ेगा, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बनाने का काम करेंगे जिससे किसानों का भुगतान न रुके। साथ ही साथ 300 यूनिट जो फ्री बिजली का समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है, घोषणा की है, मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे। मैं उस बात को फिर दोहराता हूँ कि सभी किसानों की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। साथ ही साथ ब्याज मुक्त लोन, बीमा एवं पेंशन की भी व्यवस्था किसानों के लिए की जाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव के साथ किसान नेता तिजेंद्र सिंह विर्क भी मौजूद थे। बता दें, विर्क लखीमपुर खीरी के तिकुनिया हिंसा में थार से कुचले जाने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। विर्क के साथ उनके दो साथी भी मंच पर मौजूद थे। तेजेंद्र विर्क ने अखिलेश यादव को भाजपा को हराने का अन्य संकल्प दिलाया। अखिलेश यादव ने हाथ में अनाज लेकर संकल्प लिया, हम सभी लोग संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अन्याय और अत्याचार किया उनको हराएंगे, हटाएंगे, यह हमारा अन्य संकल्प है। जय जवान जय किसान। यही नहीं, सपा सुप्रीमो ने इसके साथ ही फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बनाने का भी संकल्प लिया है। हम अन्य संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसान पर अत्याचार और अन्याय किया है उनको हराएंगे और हटाएंगे। इसके लिए मैं कहूंगा कि तेजिंदर ब्रिक्स जी हमें संकल्प दिलाएं और तेजिंदर ब्रिक्स के साथ साथ हम अपनी पार्टी के नेता कार्यकर्ता किसान भाइयों से कहेंगे कि संकल्प लें, अन्य संकल्प लें और भारतीय जनता पार्टी को हराएं और हटाएं। हाँ, खड़े हो। अनाज गेहूं और चावल आप भी ले सकते हैं। आई खड़ो हम सभी लोग संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अन्याय और अत्याचार किया उनको हराएंगे और हटाएंगे। ये हमारा अन्य संकल्प है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।